से जहां बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के मरहिया मोड़ के समीप बाइक सवार पुरुष और साथ में बैठी महिला को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बेतरतीब तरीके से रौंद दिया, जिससे इस हादसे में बाइक सवार दोनों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही दुर्गावती पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने लगी। जानकारी के मुताबिक शिवशंकर सिंह अपनी भाभी रिंकी देवी के साथ यूपी के सैयद राजा के बेलवनिया से अपने बाइक से दुर्गावती के कल्याणपुर आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही दुर्गावती के कल्याणपुर और रामगढ़ के उनके नजदीकी रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। मृतिका रिंकी देवी के बड़े पिताजी का शाम में करीब किसी कारणवश मौत हो जाने को लेकर रिंकी देवी अपने मायके से अपने देवर के संग बाइक पर बैठ करके यूपी के बेलवनिया से कल्याणपुर अपने बड़े पापा को कंधा देने के लिए जा रही थी, जहां ट्रक ने रौंद दिया। देश की सबसे व्यस्ततम सड़क नेशनल हाईवे 2 हाल के दिनों में बालू की ओवरलोडिंग की वजह से जाम चल रहा है। बालू लदे ओवरलोड ट्रक और दूसरी गाड़ियां रॉन्ग साइड में घुसकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में नेशनल हाईवे 2 के रास्ते सफर करना काफी मुश्किल हो गया है और यही कारण है कि हादसा हो रहा है। हालांकि दुर्गावती में घटना के वक्त जीटी रोड जाम नहीं था, लेकिन जगह जगह बने अवैध क्रॉसिंग से छोटी बड़ी गाड़ियां एक दूसरे लेन में प्रवेश कर जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। रामगढ़ विधायक अशोक सिंह बताते हैं कि दुर्गावती में रोड एक्सीडेंट में एक महिला और एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। रोड खतरनाक हो गया है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई है। चांद दुर्गावती हाटा जो पथ है, इसका 0 किलोमीटर मरहिया से प्रारंभ होता है, इस तरह से एक्सीडेंट का जोन ओपन गया है और इसके लिए मैंने विधानसभा में भी सवाल उठाया था, जिला की बैठक में भी मैंने कहा था और आज भी मैंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को कहा है कि एक सप्ताह के अंदर इसका आप व्यवस्था करिए और इस तरह का आगे कोई एक्सीडेंट न हो। आज जो घटना घटी बड़ी दिक्कत है, पूर्व में भी वहाँ घटनाएँ घट चुकी हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के अंदर मैं व्यवस्था कर लूँगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ। सर कुछ जानकारी है कहाँ के रहने वाले थे? आज एक दुखद घटना घटी कल्याणपुर में, श्री राम बच्चन सिंह जी का हार्ट अटैक हो गया। उनकी बेटी की शादी चांद लोक में थी, खबर सुनते वहाँ गाँव आ रही थी और उनको लोग बुला रहे थे, तो साथ ही भी रामगढ़ के इलाके के श्री दामोदर सिंह जी के दामाद में एक्सीडेंट हुआ है। दोनों घटनाएं दुर्घटना सारे लोग मरमाहत हैं। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।